नमस्कार, DTW24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। आज 8 सितंबर है और अब वक्त हो चला है आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने की। तो आइए देखते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। आज बिहार में 16 से 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,50,694 हो गई है। बिहार में फिलहाल 17,787 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव को चुनौती देने के लिए उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय तैयार है। बस ऐश्वर्या को इशारा मिलने का इंतजार है। तेज प्रताप हसनपुर से चुनाव लड़े या महुआ से, ऐश्वर्या टक्कर देने के लिए दोनों जगहों से तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव से मिलने जा रहे एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल सहरसा के दूसरे राजद नेता की भी मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है घायल सौर बाजार के पूर्व प्रमुख और राजद नेता योगेंद्र राम को प्राथमिक उपचार के लिए बरही अनुमंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया था। सीतामढ़ी जिले की रूबीना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ भरा पत्र भेजा है। रूबीना ने रक्षाबंधन में कोरोना से बचाव का संदेश देने वाली कई आकर्षक राखियां बनाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोरोना से बचाव का संदेश देने वाली राखी भेजे थे। आज ANM ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ अपना रुख किया है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर जा रही ANM को प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी महिलाएं अपनी मांगों पर डटी रही और CM आवास तक पहुंचने की कोशिश करती रही। पटना सिटी में रवि रंजन नाम के जिस शख्स की हत्या शनिवार को हुई थी, उसके परिजनों से मुलाकात करने पप्पू यादव माल सलामी के जमुनापुर पहुंचे हैं। पप्पू यादव ने रवि रंजन के परिवार वालों से मुलाकात की है और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पटना सिटी के माल सलामी थाना की पुलिस टीम ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी बीते 5 सितंबर को ईंट भट्टा के पास की गई रवि रंजन की हत्या में शामिल थे। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के काजीपुर मोहल्ले में एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर अपना जान दे दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद जिले में बम ब्लास्ट से मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला ओबरा थाना क्षेत्र के बरूप गांव का है। बताया जा रहा है कि गोबर के ढेर में रखा बम अचानक ब्लास्ट कर गया, जिसमें वहां पर मौजूद मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। NCB की टीम ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया के खिलाफ कई अहम सबूत NCB को मिला है, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज दिन भर की बिहार की 10 बड़ी खबरें। बहरहाल बिहार और देश के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।